गाइस यहाँ देखिए, हम तो आराम से बैठे हैं, पर ये कितनी मेहनत कर रहे हैं जरा इधर दिखाइए। और पूरा माहौल धुआं धुआं हो रखा है, सिर्फ जिधर जा रहे उधर सिर्फ धुआं आ रहा है। गाइस यहाँ देखिए, आलू पक के रेडी हो चुका है, अब बारी है इसको खाने की। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रात में। अब आप लोग सोच रहे होंगे रात में क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर पे, और वो भी छत पे। और इतना ठंड है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ठंड का सीज़न अभी चल रहा है। तो हम लोग रात में क्या कर रहे हैं छत पे, वो आपको दिखाते हैं। और थोड़ा सा बता देते हैं कि हम लोग छत पे औंधा लगाने वाले हैं। अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे औंधा मतलब क्या होता है, तो आपको पता होने वाला है कि ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। होगा ना? यस, औंधा का मतलब आज हम लोग आलू पका के खाने वाले हैं। तो ठंडा में आलू का मज़ा भी लिया जाएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गया है ना। हाँ। इसके लिए तो हम लोग कैसे लगाएंगे औंधा और कहाँ पे आग जलाएंगे, ये सब आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। इतना बता नहीं सकते, आप खुद व्लॉग देखिए, आपको पता चलेगा क्या क्या कर रहे हैं। और ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा फनी टाइप का व्लॉग होगा। तो गाइज ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं फटाफट, लास्ट तक जरूर देखना। गाइज सबसे फर्स्ट स्टेप, हम अपने छत पे कैसे लगा सकते हैं, ताकि हम आग लगाएंगे ना इसमें, तो हमारा घर में भी कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, छत में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम पहले ईटा एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद फिर हम उसमें आग लगाएंगे। तो गाइज फटाफट से पहले कर लेते हैं काम। हाँ, इकट्ठा तो कर लिए हैं, अब फटाफट से उसको सेट करना है। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कौन कौन पहचानता है, जरा कमेंट में बताना कि इसको क्या कहते हैं। जो बिहार से होंगे उनको मालूम होगा इसको क्या बोलते हैं। असल में इसको लमना बोलते हैं, गहला जो भी बोल सकते हैं। ये गहला तो होता है गोल टाइप का, ये लमना ही इसको बोलेंगे। तो आप चाहो तो आप गहले में भी आलू पका सकते हो, या लमना भी बना सकते हो। तो हम इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है पेड़ पे से ताड़ी निकालने के लिए। तो गाइज इसमें ऐसा वाला कोई मैटर है नहीं, हम इसमें आलू पकाने वाले हैं, ठीक है? तो आप आलू लाइए। ओके, इस यहाँ पे ना हम आलू को इसमें पहले डाल लेंगे, ठीक है? आप चाहो तो इसको धो के भी डाल सकते हो, आप चाहो तो ऐसे नहीं धो के भी नहीं डाल सकते हो, क्योंकि मतलब धोने के बाद ना पनसोर टाइप का, जिसको बोलते हैं हम अपने लैंग्वेज में, कि थोड़ा पानी पानी टाइप का हो जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम इसको ऐसे ही डालेंगे, मीठी टाइप का रहेगा, झाड़ के खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और सोना काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा जल जाता है ना साइड साइड से, ज़्यादा जल्दी बनाइए, ज़्यादा पक जाता है ना तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और जल्दी बनाएंगे कम से कम, जो लोग अगर हमारे वीडियो से बनाना चाहेंगे तो उनके लिए भी तो होगा ना ये वीडियो। हाँ। अगर वो भी अपने घर पर ट्राई करेंगे या बनाना चाहेंगे, जो बिहार से बाहर रहते होंगे, उनको भी अगर अपना गाँव याद आता होगा कि नहीं यार गाँव में रहते थे तो ऐसे आलू खाते थे, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। आप हमारे वीडियो से आप सीख सकते हैं या देख सकते हैं, या अपना याद को ताज़ा कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे ना हम आलू डाल लेते हैं इसमें। गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लमना को भर दिया गया है आलू से। अब इसका मुंह बंद करने के लिए ऊपर से कुछ डालना पड़ेगा। गाइज यहाँ देखिए, हम लोगों ने लमने में आलू को तो डाल लिया है, अब बारी है इसका मुंह बंद करने का, मतलब ऊपर से पैक करने का। तो इसको पैक करने के लिए हम लोग पेपर का यूज कर रहे हैं। ऐसे गाँव में अगर आप लोग जाओ देखो तो वहाँ यूज होता है, जो धान का बचा हुआ होता है ना, जिसको नेवारी कहते हैं, वो उसको उसका यूज़ होता है। तो हम लोग पेपर यूज़ कर रहे हैं। देखिए पेपर को कैसे हम लोग पहले फोल्ड कर लेते हैं। तो गाइज हमने इसको अच्छे से पैक कर लिया है, ताकि इसके अंदर में एयर ना निकले इससे और अच्छे से पक जाए। तो हम इसको फोल्ड कर देंगे इधर।
गाइज यहाँ पे देखिए हम लोग अच्छे से यहाँ पे चारों तरफ से गोईठा लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पे लकड़ी डालेंगे क्योंकि गोईठा से सिर्फ पकने वाला नहीं है, जितना आग जितना हैवी होना चाहिए ना थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे आलू पकाना है। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रहा है छत पे अभी, इसी वजह से आग लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसको हम साइड साइड से नीचे से लगाएंगे, ऊपर से जलाएंगे तो ऊपर ऊपर जल जाएगा, ऐसे पकेगा नहीं मेरा आलू, इसलिए हम लोग साइड से पहले जला रहे हैं। यहाँ पे ना इसको एक बोड़ा से उड़ा देते हैं ताकि अच्छे से आग लग जाए चारों तरफ से और ये कवर रहेगा, ये जल जाएगा पूरा। एक तो छत पे इतनी हवा तेज चल रही है कि सिर्फ धुआं धुआं हो रहा है। यहाँ देखिए हम तो आराम से बैठे हैं पर ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, जरा इधर दिखाइए। और पूरा माहौल धुआं धुआं हो रखा है, सिर्फ जिधर जा रहे उधर सिर्फ धुआं आ रहा है। गाइस हवा इतना ज्यादा तेज चल रहा है कि बार बार हम लोग जो लकड़ी लगाए हैं इसके ऊपर गिर जा रहा है और आग बन नहीं पा रहा है सही से। यहाँ देखिए जलावन खत्म हो गया है, आधा जला है आधा बाकी रह गया, पता नहीं हमारा आलू पका है कि नहीं, ये चेक करना मुझे नहीं आता, इनको बट आता चेक करना। आप चेक करके थोड़ा बताएंगे। अभी ऐसे तो मतलब एक घंटा भर के अंदर में हो जाता है, लेकिन अभी ना इतना ज्यादा हवा चल रहा है कि मेरा जैसे आग लगा रहे हैं तो नीचे गिर जा रहा है बार बार, तो अभी थोड़ा हम और टाइम तक इंतज़ार करेंगे उसके बाद ही, क्योंकि हवा बहुत ज़ोर से चल रहा था। और इस बीच में हम लोगों ने बहुत सारा रील्स बनाया, आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे और फेसबुक आईडी पे यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हो, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। हाँ। आदमी तो मजाक करता ही है, मजाक करता है हम लोग के साथ। यहाँ देखिए औंधा लग चुका है, आई मीन टू से कि बन चुका है, पूरा रेडी हो चुका है, बारी है इसको पलटने की। तो ये हमसे तो होगा नहीं, उनको बुलाते हैं और बोलते हैं थोड़ा पलटने के लिए, देखते हैं आलू पका है कि नहीं। क्या पलट रहे हैं, पता नहीं पका है कि नहीं आलू, पलटिए अच्छे से। कपड़ा है, कपड़ा देते हैं, रुक जाइए, हो जाएगा हो जाएगा। गाइस यहाँ देखिए आलू पक के रेडी हो चुका है, अब बारी है इसको खाने की, तो सारा निकल जाए उसके बाद खाएंगे। अभी हम लोग तो सस्पेंस में थे कि पता नहीं पका है कि नहीं, पर बन के रेडी हो चुका है, अब मसाले के साथ इसको खाया जाएगा। सब आग को हम एक जगह कर देते हैं ताकि रात में इधर उधर उड़ के ना जाए। हाँ। यहाँ पे देखिए हमारा आलू पूरी तरह से पक के तैयार हो गया है और हमसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, इनको बस खाना है। और देखिए थोड़ा ये थोड़ा साइड साइड से जल जाता है ना, तो खाने में इसका मजा ही कुछ अलग है, थोड़ा ज्यादा सोना लगता है खाने में और टेस्टी लगता है। तो गाइज आज का ये हमारा आलू का पार्टी होने वाला है, और ठंडा में आलू खाना चाहिए क्योंकि अंडा से ज्यादा फायदा करता है आलू, और आलू में फैट्स भी होता है, जो पतले लोग होते हैं वो भी खा सकते हैं, उनको फैट बढ़ाने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, कार्बोहाइड्रेट क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो गाइज अब हम खा के बताएं कैसा लग रहा है, अब टेस्ट करिए। सच में मुंह में पानी आ रहा है, मेरा भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है एकदम। गाइस ठंडे के दिन में ना आलू खाइए और गर्म रहिए। कैसा है, टेस्टी है? गांव याद आ गया सच में, मसाले के साथ खाने में और भी टेस्टी लग रहा है। इसमें वो बिटनून का जो नमक आता है, काला नमक, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर मिक्स करने के बाद एकदम मजा आ जाता है खाने में। ठंडा में आलू खाना चाहिए क्योंकि ठंडा है ना, ये हमारे बॉडी को गर्म करता है। और सच में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं तो लगभग पूरा खत्म कर दूंगी, पर होगा नहीं हम सब, मेरे को भी पता है। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे ब्लॉग को करे लाइक, और हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आपके पास पहुँच सके। और तब तक के लिए बाय बाय।